स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर की गैर मौजूदगी में उस्मान ख्वाजा पर भारत के खिलाफ बल्लेबाजी का पूरा दारोमदार है, लेकिन भारतीय आक्रमण के सामने ख्वाजा रनों के लिए तरस रहे हैं। आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब तक ख्वाजा 3 पारियों में 205 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लेकिन रन केवल 41 ही रन बना सके। छक्के तो उनके बल्ले से निकल ही नहीं, केवल एक चौका लगा सके हैं। घुटने की चोट के बाद वापसी करने वाला ख्वाजा के फॉर्म में ना होने से ऑस्ट्रेलिया की पारी में उनके क्रीज पर रहने के दौरान थमसी गई है। स्कोर बोर्ड पर रन अटक से गए हैं। एडलेड टेस्ट की बात करें तो पहले टेस्ट की पारी में उस्मान ख्वाजा 125 गेंद में केवल 28 रन ही बना सके। दूसरी पारी में तो उनका बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला और 42 गेंद पर कुल 8 रन बना पाए। पर्थ टेस्ट की पहली पारी में ख्वाजा के लिए खुशी लेकर नहीं आई। पहली पारी में 48 गेंदों में केवल 5 रन अपने खाते में जोड़ सके। ऐसा लगा जैसे वह रंग में ही नहीं है। भारतीय गेंदबाजों ने उनके सामने बहुत उम्दा गेंदबाजी की, लेकिन वह एक भी ढंग का शॉट नहीं खेल सके। यहां तक कि स्ट्राइक को भी रोटेट नहीं कर सके। अमन यादव, पंजाब केसरी, दिल्ली।